ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मुरैना जिले की है। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत काजोनी घाटी के नीचे 2 वर्ष पूर्व भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा कल दिनांक 4/4/2020 को साय 7 बजे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबलगढ़ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और FIR कराई गई, साथ ही दोषियों को गिरफ्तार कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदेही शासन एवं प्रशासन की होगी। जिला मुरैना से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। खंडन किया गया, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में जन आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आज थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। यदि पुलिस प्रशासन 7 दिन में दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो इसके बाद ब्राह्मण समाज आगामी रणनीति बनाएगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। सबलगढ़ के पास कोरोना घाटी में भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना, वह मूर्ति वहाँ पहले से लगी हुई थी। कल जब लोगों ने देखा 4 तारीख को कि मूर्ति जमीन में पड़ी हुई है, खंडित कर दी गई, तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, इसलिए कोई भी सड़कों पर नहीं आया, लेकिन सबने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सूचना का आदान प्रदान करना शुरू किया। मुझे आज सुबह जानकारी मिली तो मुझे भी बुरा लगा। भगवान परशुराम अवतार के रूप में इस धरती पर आए थे और जो आज भी जीवित हैं, ऐसी हमारी वेद पुराणों के द्वारा मान्यता है। आज उनकी मूर्ति का खंडित होना ये दुर्भाग्यशाली है। मुझे इसमें कहीं ना कहीं दूरंदेशी के हिसाब से लगता है, कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं जो हमारे सामाजिक विघटन को की ओर ले जाने का काम कर रहा हो। मैंने आज सुबह तत्काल जैसे ही जानकारी मिली तो SP मुरैना से बात की और मैंने इनको इस दिशा की ओर इंगित भी किया। उन्होंने कहा साहब, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो शरावरा पीकर इस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं। मैंने कहा आप जाँच करा लो, 1% भी कहीं ऐसा लगे कि ये गड़बड़ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे समाज में एक तरफ हम लड़ रहे हैं इस वायरस से, पूरा देश इसमें जी जान से लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये अभी अभी ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं सबलगढ़ के, श्री मुदगल जी थाने पे आए हैं। इन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनकी एक पत्थर पे बनी हुई पेंटिंग थी परशुराम जी की काजोनी घाटी पे, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। इनके आवेदन पर पानी की जा रही है। इसमें क्या मतलब कायमी जो